सो फ्रेंड्स जब चर्चा हुई कि यहाँ पर एक बात करनी है और टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे। तो अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात है तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम हैं कहाँ। आज ये हम सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। दे आर गिविंग ए ह्यूमन सर्विस टू दोज कस्टमर्स हु आर रियली रिक्वायर्ड टू बी फाइनेंशियली इंक्लूडेड। दिस वाज एक्नॉलेज्ड राइट इन द बिगिनिंग आल्सो। मॉर्निंग डॉक्टर अभयंकर ने भी यही कहा कि साहब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उससे पहले कर रहे हैं जिसे अब लोगों ने बाकी में रियलाइज किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या। और इसी को आगे लेते हैं तो आज कोऑपरेटिव बैंक्स ने एक चीज रियलाइज कर ली, शायद कईयों ने सिर्फ आरबीआई के कहने पर रेगुलेटर है कि साहब सीबीएस जरूर करिए, कुछ ने पहले कर ली, कुछ ने बाकी जो है अंडर प्रेशर आके कर। तो सीबीएस तो हो गया साहब, टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन अब आगे क्या है? जिन्होंने कहा खुद होके आगे होके टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट किया उनको तो समझ में आ गया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जिन्होंने अंडर फोर्स किया तो वहां तक अगर रुक गए हैं तो अब समझ में आने लग गया है जब उन्होंने देखा कि उनके पास थ्रेट शुरू हो गया। सुबह इसके बारे में चर्चा हुई कि हमारे पास सीबीएस पे चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कोऑपरेटिव बैंक्स आर फेसिंग। द चैलेंज फर्स्ट वन वाज टेक्नोलॉजी, नॉट इनफ ऑफ टेक्नोलॉजी, नो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम यू सडनली हैव द प्रेशर ऑफ गेटिंग अराउंड यू द पेमेंट बैंक्स who also have the same reach in the areas where you had a predominance. आपकी strength थी कि आपके customer, आप उस remote area में बैठे थे जहां कोई और नहीं था, वो आपका niche area था। Even RRB की branch जहां नहीं पहुंचती थी वहां cooperative bank था। Regional rural bank, RRB का full form है regional rural bank है, जो rural bank है जो उसको rural में होना चाहिए, जिसकी शाखा वहां तक नहीं पहुंची वहां cooperative bank था। और उसे ये बड़ा फख्र था कि साहब मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहेगा, जाएगा कहां, उसके पास ऑप्शन है। आई थिंक दैट मिथ इज गेटिंग डिस्पेल्ड। नो लॉन्गर इज अ सिचुएशन वेयर अ कोऑपरेटिव बैंक कैन से दैट माय कस्टमर विल रिमेन विद मी, ही हैज स्टार्टेड लूजिंग दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू दोस हिज कस्टमर्स। And why is that happening? Because there is a huge difference now. And the second threat, of course, payment banks, अगर हम बात करें, आपको लगता था transaction ही कर लेंगे और क्या कर लेंगे। लेकिन दूसरा threat आ गया small finance bank, जिसमें से काफी ऐसे थे जो कि पहले से NBFCs थे, जिनको lending पता है कि साहब lending होती क्या, जिसके हमें पता था कि हम एक छोटा एक retail को हम lend कर सकते हैं, हमारी strength है cooperative bank की। लेकिन वो अब सिचुएशन ये आ गई कि साहब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक उस जगह पर आ गए और उन्होंने भी फुल बैंक का सर्विस देना शुरू कर दिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है वो चैलेंजेस ये आ गए कि एक तो हमारे पास जो है इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफी जो है बहुत यंगस्टर्स है, यूथ। एंड यूथ आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और शायद मैं टेक्नोलॉजी में रीजनेबली जानता हूँ, लेकिन अगर मेरे फोन पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे मेरे बेटे को बुलाना पड़ेगा, भैया इधर देख क्या हो गया। कहते यार आप सुना है कहीं आईटी के इंचार्ज है ना, मेरे पास आ रहा हूं। बिकॉज दैट दिस जनरेशन इज टुडे सीइंग अ टेक्नोलॉजी एंड टेकिंग फॉर ग्रांटेड व्हाट वी हैव सीन एट द मिडिल एज। The technology that I had seen first time was probably when I was in a middle age and middle management cadre in a bank. And I was an early starter because I initiated that technology in a large public sector bank in 1986. But today, when a newborn is there in a hospital, what happens? The grandparents are sitting somewhere remote. And the first view is given on a FaceTime chat on an iPad or on a mobile phone. The child sees that image as the first image after his parents or the doctor or the nurse, whoever is there. That is the level of technology to take for granted. I mean, up by the time a child is 1 year old, I think they are able to unlock your phone like it and play games on it.
this is the challenge that today we have, that demographically we have a young generation who's tech savvy, bursting our midst. हम सोचते हैं कि साहब कहाँ ये cooperative bank के customer कहाँ technologies ला सकते हैं, लेकिन वो customer आप पे replace हो रहा है. जिस customer के साथ आपने cooperative bank 100 साल पहले स्थापित किया था, वो 100 साल वाले जा चुके हैं. अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो बैंक का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि कस्टमर है तो बैंक है, कस्टमर है तो बैंक है. और उस कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो आज यंगस्टर है और वो डिमांड करता है. वो इर्द-गिर्द देखता है कि मेरे आप है तो एयरटेल पेमेंट बैंक ऑलरेडी है, आप ऐसा बुढ़ा फोन तो नहीं है. वोडाफोन पेमेंट बैंक इसलिए नहीं आया क्योंकि आईडिया के साथ मर्ज हो रहा है, तो आईडिया पेमेंट आदित्य बिरला पेमेंट बैंक आ रहा है. तो ये टेलको जो है वो भी बैंक बन गए, और वो यंगस्टर जो है मोबाइल फोन तो यूज करता ही है, उसके पास सब कुछ है. और पोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हाँ, आप बीएसएनएल का सिम यूज करते तो कहीं ना कहीं आप एक गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ गए, और वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया आपके पास. तो उस यंगस्टर के पास आज ऑप्शंस हैं, उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. क्या आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं? आपको रीइन्वेंट करना ही पड़ेगा अपने आप को. और इनमें से कुछ चीजें मेरे दोस्त मनोज ने बता दी कि एपीएस है, कार्ड्स है, सब कुछ है, और सब चीज ऑफर कर रहा है, एक सेंट्रल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है. और अगर उसको हम लीवरेज नहीं करेंगे तो हमें समस्या है. जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं हम, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स. वो कंपोनेंट्स ये हैं कि आपका कस्टमर चाहता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो ट्रांजैक्शन कर पाए अपने समय पर, अपनी सुविधा के साथ, एटलीस्ट कन्वीनियंस एट टाइम दैट कस्टमर चूजेस टू डू द ट्रांजैक्शन एंड नॉट बी बाउंड बाय दैट टाइमिंग ऑफ फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक ब्रांच. ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, इससे कम तो मैं क्या बात करूंगा साहब, इतना तो होना ही चाहिए. ईज ऑफ यूज शुड बी इजी टू यूज. ये नहीं कि साहब इधर बटन दबाओ, 10 बार दबाओ, दो तीन बटन के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए. ये मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की एक रिक्वायरमेंट है. सिस्टम है तो तुरंत उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि साहब हो गया. ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं एनपीसीआई के साथ जो है, आईएमपीएस का जब लॉन्च हुआ था, तो शहर में वो घर का अर्निंग मेंबर जो शहर में आया है पैसे कमाने के लिए, परिवार पीछे छोड़ के आया है, उसको खर्चा भेजना है, वो आईएमपीएस करता है, तो वो आईएमपीएस उसमें घर में जाके उनको खुशी नहीं मिल रही कि साहब मेरे को एसएमएस आ गया. वो खड़े हैं एक दूर दरार एटीएम के बाहर कार्ड हाथ में लेके, जैसे आईएमपीएस मैसेज जाता है उनके हाथ में शायद मोबाइल है भी नहीं. मनोज जी कहते हैं कि साहब उनको एसएमएस आ गया, तो उनके पास तो मोबाइल है नहीं एसएमएस आने के लिए. यही कहता है कि साहब मुझे एक्नॉलेजमेंट आ गया कि आपके खाते में पैसा चला गया, अब जाओ एटीएम से पैसे ले लो. ये जो है इतना रिस्पॉन्स हमें चाहिए कि साहब तुरंत मुझे पैसा चाहिए, तो अभी चाहिए, इंतजार नहीं हो सकता विदाउट एरर. और अगर एरर हो गया उसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म शुड बी वेरी फास्ट. और मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरे तरफदारी के साथ के साथ मेरे फेवर में होना चाहिए. एक तो डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए और मेरे फेवर में होना चाहिए. दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. इफ यू आर नॉट एबल टू गिव ऑल दीज, the customer satisfaction becomes lacking somewhere, and that is giving a chance for your customer to move out from where they are banking currently with you to somebody else. Now, what is the role of technology in this customer satisfaction? We have talked of all these things that, you know, we have a good population, there are challenges, but mobiles are there, available with most of the people now in India. Even if they are not smartphones, now NPCI has enabled them on star 99, has to have a UPI on that.
Though of course there are still, whether NPCI agrees or not, there are still challenges of that. Their failure rates are high. There is a dependence on telco because the Star 99 is a telco based product, and there are charges also which are borne by the customer whether he gets a successful transaction or not, because it's based on a session. If a session is created and even if a transaction is not completed and breaks in between, then also the charge is levied. So those are the still there, which are it could be there. The other thing is that today for a customer satisfaction and a bank to be able to provide those kind of solutions, what the bank needs, I think all this while we have been talking, there are different players here who are there. And corporate banks, unfortunately, because they were still growing up in their younger days, though they are 100 years old, but on technology they were very young, they are toddlers. And a lot of people have been talking to them, and they have a problem on making a choice. Who's the right partner? Jo achhi baat karke gaya tha, wo bahut achha. क्योंकि प्रोडक्ट का हमें तो पता नहीं लगता है, लेकिन उस दौर से आप लोग काफी लोग गुजर चुके हो, आप लोगों ने वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की, खर्चा किया, प्रॉब्लम्स देखी, फिर लगा कि नहीं इससे अच्छा तो दूसरा था, लेकिन अब कॉस्ट इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब समय यह आया है कि अगर आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है ये सब चीजें देखते हुए, तो आपको ऐसा एक पार्टनर, रिप्लेसमेंट पार्टनर ढूंढना होगा जो आपको सब तरह की सर्विसेज एक दे, चाहे INPS है, चाहे BBPS है, चाहे NPCI का कोई प्रोडक्ट है या कोई नई चीज है, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास होना चाहिए जो आज कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास भी जो समस्या है वो है सेंट्रलाइज्ड रिकंसिलेशन। क्योंकि अगर आपके बैंक के पास रिकंसिलेशन अच्छा नहीं है और हम किसी प्रकार से मैन्युअली बैठ के उसको रिकंसाइल करते हैं, एक्सेल शीट में डाउनलोड करते हैं, उसमें करते हैं, तो कस्टमर को जो रिस्पांस मिलना चाहिए उसकी कंप्लेंट का, उतना और डिले हो जाता है, उसका डिससैटिस्फैक्शन और उतना बढ़ जाता है, समस्याएं कंटिन्यू रहती हैं, और उसका साइड इफेक्ट यह भी होता है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं आपके बैंक को कस्टमर के ट्रांजेक्शन के कारण, जो है हो सकता है आप उसको पे बैक कर दें जहां नहीं करना चाहिए था क्योंकि रिकंसिलेशन ठीक नहीं था, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉड हो जाए, आपको पता भी ना लगे कि फ्रॉड हो गया। तो ये आपको अब देखना है एज ए रिप्लेसमेंट। आप इतने समय पिछले 1.5-2 साल से, या थोड़ा कुछ बैंक उससे और आगे 5 साल हो गए होंगे, 6 साल हो गए होंगे जो टेक्नोलॉजी में आए, अब समय आपको देखने का जहां रिप्लेसमेंट की बात है, आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढें जो आपको कंप्लीट सर्विसेज अंडर वन रूफ दे, ताकि आप एक का गला पकड़ सकें। क्योंकि अल्टीमेटली जब ट्रांजेक्शन फेल होती है, कुछ समस्या आती है, तो अगर 4-5 पार्टनर है ना आपके, तो एक दूसरे की उंगली रखते, सर ये मेरा नहीं, उसके सिस्टम प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, वो कह रहा सर मैंने वो तीसरे की। तो आज आपको चाहिए आप किसी एक का गला पकड़ सके, और इस तरह से वाइजली चूज कीजिए कि जिसके पास पूरी सर्विसेज हो। और आज समय दूर नहीं है, जब आप लोगों में से ही कुछ बैंक्स इस टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहे हैं, अग्रसर रहे हैं, वो ये नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं जहां कि वो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की ओर देखना शुरू कर दिया है, FRM जिसको कहते हैं। और FRM पहले दो तरीके का था, पुराना FRM ये था कि वो एक रूल बेस्ड इंजन था जो बताता था कि एक स्कोरिंग करता था कि स्कोरिंग के हिसाब से ट्रांजेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो लेवल तो आज पुराना हो गया। अब है यही फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं, उसके साथ चलती है, जो आपकी प्रोफाइल देखता जाता है कि साहब आप हर बार पिछले आपके जब सेटअप करते हैं तो आपसे बैंक से डेटा मांगा जाता है उस कंपनी द्वारा जो AI इंप्लीमेंट करता है, वो ये देखता है कि साहब अगर आप उसको 1 साल का 2 साल का जब से आपने ये टेक्नोलॉजी या डिजिटल आपने किया है उसके ट्रांजेक्शन अगर आप लोड कर दें, उनको दे दें, तो वो लोड कर देते हैं अपने सिस्टम में, उससे मशीन अपने आप समझने लगती है कि ये कार्ड होल्डर नॉर्मली इस समय यहां से इतने पैसे निकालता था या इस दुकानों में करता था, जिसको कहते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। और अगर उससे हटके कोई ट्रांजेक्शन आती है तो फ्लैग करता है कि साथ कुछ गड़बड़ है, क्या वो नॉर्म के अंदर है या नॉर्म से बाहर है। मशीन अपने आप हर ट्रांजेक्शन के साथ लर्न कर करके आपकी प्रोफाइल अपडेट करती रहती है और फ्लैग करती रहती है, ताकि जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड
are close to eliminated. I will never say it is eliminated, it can never be eliminated, but it is closer to elimination. And ऐसे आप अपने partner ढूंढिए जो आपको उसके inclusive solutions दे सके, और ये expensive solutions. आपको ऐसा partner और भी देखना है जो ये सब चीजें आपको as application service provider, as a hosted model, shared model में दे सके, ताकि आपको banking industry, corporate sector में ये cost share हो सके between the banks. Does it make sense to all of them? Yes. Right? So, coming forward, since I am representing a company called Electronic Payment Services, we have those solutions. Just a small brief, there is no slide on that, but a small brief about EPS. It is a very young company, from just a time of, you know, there was a common tender on public sector banks where ATMs were deployed. A common area was selected, a vendor came up in that area, there was 6 or 7 players across the country. This was in the year 2011 and 12, and the EPS was formed at that point in time to give a managed services for ATMs. That was all it was doing, and it had taken the order from for the state of Maharashtra. That was the first bid that was there, and they successfully deployed before time. Whatever the contractual period was there for deploying ATM, these are all ground level ATMs. They are owned by this company EPS, but deployed with your bank branding, and transaction basis pricing is there. Pricing, transaction based pricing model is deployed in this. So right from your branding, site selection of offsite ATMs, etc., cash management, everything is managed by this company end to end. We have grown from there. Today this company has on its own managing part more than 10,000 ATMs in the country, which is not a small number. Very recently, NCR, who is an OEM of ATMs, has was bid for three territories, Bihar, Jharkhand and Kerala, under that scheme of Government of India, which is called MOF scheme, has transferred their entire business to EPS of these three states, Bihar, Jharkhand and Kerala. And in addition to MOF, we are also managing ATM managed services for other public sector banks, Canara Bank, others, Dena Bank, Bank of Baroda, who have come on their own. And very recently, just about a week or 10 days back, Union Bank has given us the order for about managing their 4,000 additional ATMs. In addition to that, we have now also a WLA, white label operator, white label ATM. So, Cooperative banks who think that they don't want to get into this hassle at all, still they feel that kahin unke ATMs, unke customer ko service milni chahiye. So we can have word discussion with the cooperative banks where we can deploy our WLA ATMs and we can have a revenue share model on that. So that is also a possibility. So starting from there, we are now into progress into the entire suite of digital payment space. We have now the ATM switch for switching purposes, where we can run you on everything. We have all the products and services of NPCI that can be there. Today, what we don't have, which I'll say upfront, is your ETC, NETC, which Mr. Manoj Yadav has just mentioned. The electronic toll collection piece is not yet what we have not stitched in. But beyond that, we have also added FRM in our portfolio. As I speak, I can share with you, because it's not a close circuit information. NPCI itself has come out with a requirement of deployment of FRM, AI-based FRM, for the transactions on NPCI. They are contenders, global contenders. We have partnered with a global player, and we are in the last reckoning of the last five. We are there, we are being looked into very seriously by NPCI, and I think let's hope for the best. But what I'm trying to say is that when we bring solutions, we bring you the best of the breed solutions, which can be accepted by the best people. And who better than a payment company like NPCI, who will really, I think, just like that, thok baja ke lenge, wo usse pehle chhodenge nahi. To agar wahan tak agar main inka thokna bajana seh raha hoon, to mere khayal se mera product acha hai, tabhi main wahan tak pahunch paya hoon. To switching platform, just maine aapko bataya, switching platform hai mere paas. Hostel model mein bhi kar sakta hoon, license basis pe bhi kar sakta hoon. एक जो यूनिक सर्विस और मैंने ऑफर की कर रहा हूँ बैंकों को, वो है कि आपके एसएमई कस्टमर जो हैं, जो छोटे हैं लेकिन वो एस्पिरेशन रखते हैं कि वो
ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि वेबसाइट बनाने में खर्चा है, ये कौन मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, तो एक ऐसी यूनिक सर्विस मैं दे रहा हूँ जिसको कि अपने मोबाइल से वो खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एनुअल सब्सक्रिप्शन है और आप खुद ही कन्फिगर कर सकते हैं, आपके लिए डिफॉल्ट चीज़ें बनी हुई हैं, उसके साथ वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर सकता है, कस्टमर उस पर डायरेक्ट ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, पेमेंट हो सकती है और लॉजिस्टिक्स फर्म के साथ डिस्पैच हो सकती है। सो एंटायर थिंग वी कैन स्टिच इट फॉर यू फॉर योर कस्टमर्स व्हिच इज नॉट बीइंग ऑफर्ड बाय वन सिंगल एंटिटी व्हिच हैज द पेमेंट सिस्टम्स एज वेल एज ऑन द मर्चेंट साइड। पॉज तो होता है, सब पॉज भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक के पास आपके पास एसएमई मर्चेंट्स हैं जो जो लोग बना अपनी एक नए चीज़ बनाते हैं और चाहते हैं कि बड़े हों, वो दुकान नहीं खोलना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन है, क्योंकि काफ़ी आर्टिसंस को आजकल काम मिल रहा है जो कि अपना खुद बनाते हैं चीज़ें और पता नहीं कहाँ बेचना है। कुछ एनजीओ आकर उनको हेल्प कर जाते हैं तो हो जाता है, लेकिन आई थिंक दे कैन ग्रो मच बिगर। This is what I wanted to, I think the rest of the slides are also talking about the same thing, which I think I have fast-tracked because I thought, let me try and see if I can compress the time for the entire show. This is the fraud risk management that I talked about, and the reason why we should, you can look forward to looking at us seriously is that we are offering all the services under one roof. Thank you very much. Presentation. It was really awakening. Okay, so once again, I would like to invite on stage Mr. Gupta to kindly present a small token of appreciation to Mr. Singh. Can you please have a huge round of applause for him? All right.